हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टाटा पावर कंपनी पे लेकर आई हूँ। गाइस देखिए जरा, टाटा पावर का कल ऐसा मतलब इतना बड़ा पॉइंट देखने को मिला कि कल ये 2228 पे वो टच भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप होकर 227 पे रुक गया। ऐसा नहीं है गाइस कि गलत हो गया है, गाइस अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, प्लस माइनस तो हर एक कंपनी में चलता रहता है, तो कभी कभी तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है ये स्टॉक बेकार है गाइस, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। तो आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और कम से कम 1000 तक का तो इसको व्यूज़ एंड लाइक दें। साथ के साथ आपको एक चीज़ और बतानी है गाइस टाटा पावर की, कि पहले इनका टारगेट था जो 200 दिन का इनका टारगेट बना हुआ है, उस दिन का इनका टारगेट बना हुआ है, लेकिन 50 दिन तक इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। मतलब आप लगा लो 221 लिखा हुआ है, 227 पे आकर स्टॉप रखा है। तो गाइज आने वाले टाइम में ये 200 डेज का भी टारगेट कंप्लीट कर लेगा, 229 पे आकर वो स्टॉप हो जाएगा। और जैसे भी स्टॉप होगा तो सबसे पहले खबर मैं आप लोग को दूंगी जरूर गाइज। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं जैसे कि आपको दिख ही रहा है। तो जैसे बहुत जल्द जब इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी गाइज। उसी के साथ साथ आप एक ये चीज़ और देखिए, टाटा पावर टू प्रिक्योर 300 MW ऑफ नॉन सोलर रिन्यूएबल पावर अंडर शॉर्ट टर्म ओपन एसेस गाइस। क्यों? क्योंकि इनको पावर की बहुत पावर कंजप्शन की बहुत ज़रूरत है, और अभी इनके पास शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से ये किसी और से बोरो कर रहे हैं रिन्यूएबल प्लान के लिए गाइस। तो आई होप आपको टाटा पावर पे ये बात समझ में आई होगी। और जैसे कि आपको बता रही हूँ कि 227 पे आकर रुक गया, आने वाले टाइम पे ये 229 होने जैसे ही होगा। तो गाइस देखो, कई बार सोचते हैं लोग कि गिरता जा रहा है, कभी बढ़ता कभी गिरता है, खराब स्टॉक है, ऐसा नहीं है। जब आपको पता है कि तुम किसी चीज़ को छोड़ देते तो उसमें जब हमें प्रॉफिट होता है तो बड़ा दुख होता है। तो गाइज इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है गाइज, लॉन्ग टर्म का। तो इस पर आप पेशेंस बनाए रखें, स्टडी करते रहें, नज़र बनाए रखें, और सर्च भी करते रहें खुद से, तो मेरे इन्फ्लुएंस में मत आना। वैसे मैं आपको ये बोलूँ, खुद से स्टडी करके आप चेक करके फिर इस पे इन्वेस्ट करें। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला ही है गाइज। थैंक यू, गुड बाय गाइज, गुड बाय।